हाय एवरीवन, नमस्ते, दिस इज जस्सी हियर। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ दोस्तों इस शैम्पू का फुल डिटेल्स रिव्यू। और मैंने अभी भी इसी शैम्पू को अपने हेयर्स में यूज कर रखा है। एंड ये जो शैम्पू है टोटली ऑर्गेनिक है एंड हार्मफुल केमिकल फ्री है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हेयर केयर से रिलेटेड मैं ऑलवेज आप लोग के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही लाती हूँ, जिससे आप बड़े ही आराम से विदाउट एनी साइड इफेक्ट एंड हेयर फॉल एंड स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम के बिना ही यूज कर सकते हो। तो आगे इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी इस अनियन एंड जिंजर शैम्पू से रिलेटेड। और मैं आपको सब सच सच बताऊंगी कि कैसा शैम्पू है, किस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है एंड हेयर्स पे ये क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। और अगर आपके बाल झड़ने की या पतले होने की प्रॉब्लम है तो क्या आपको इसे यूज करना चाहिए या नहीं, सारी डिटेल्स दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बिकॉज वीडियो में सारी जानकारी लास्ट तक दी हुई है। और अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो एक छोटू सा बेल आइकन है उसे ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी और भी अच्छी अच्छी जानकारी से रिलेटेड, प्रोडक्ट रिव्यू से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उन्हें मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये जो शैम्पू आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये एक प्रॉपर शैम्पू है। इसके तीन रेंज आते हैं जिसमें कि एक शैम्पू, एक कंडीशनर एंड एक हेयर ऑयल आता है। बट मुझे हेयर फॉल की दिक्कत हो रही थी तो इसीलिए मैंने ओनली इस शैम्पू को ही खरीदा है कि ये कैसा है पहले देखते हैं हेयर फॉल कंट्रोल करता भी है या नहीं। और इसके साथ मैं एक डिफरेंट ब्रांड का हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ जिसका भी मैं रिव्यू आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। बट हेयर ऑयल का वीडियो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, अभी फिलहाल बात करते हैं इस शैम्पू की। तो ये जो शैम्पू है फर्स्टली पैराबेन सल्फेट फ्री है, जो कि एक हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, जिससे कि शैम्पू ज़्यादा लेदर या झाग तो नहीं बनाता लेकिन पूरा शेप है आपके बालों के लिए, आपके स्कैल्प के लिए। एंड ये इंडियन ब्रांड है। सो ये जो विस केयर ब्रांड है ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। इनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट जो होती है लगभग ऑर्गेनिक चीज़ों से ही बनी होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ये शैम्पू किन किन चीज़ों से मिलकर बनाई गई है और वह हमारे हेयर के लिए किस काम में आता है। तो दोस्तों ये जो शैम्पू है इनमें बहुत सारे गुणकारी इंग्रेडिएंट से मिलकर इसे बनाई गई है, बट मेनली जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है अनियन एंड जिंजर। तो चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं कि आखिर अनियन एंड जिंजर में कौन सी ऐसी बात होती है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड हमारे बालों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों आप सभी के मन में जरूर ये बात चल रही होगी कि आखिर अनियन एंड जिंजर में कौन से ऐसे गुण है जो आपके बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अनियन को हिंदी में प्याज कहते हैं और प्याज का जो रस होता है वो हमारे स्कैल्प के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही मैजिक की तरह वर्क करता है। बिकॉज अनियन जूस में या अनियन में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की एबिलिटी होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे बालों में लगाने से या आपके गिरते हुए बालों को रोकने में बहुत ही मददगार होता है। किसी तरह का अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है तो उसे भी ये रोकता है, जिस वजह से हमारे स्कैल्प हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ बने रहते हैं और हमारे बालों को अच्छी ग्रोथ एंड स्ट्रांगनेस प्रोवाइड होता है। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्याज के रस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सल्फर होता है जो हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करके न्यू बालों को जड़ से मजबूत बनाने में हेल्प करता है। एंड सल्फर हमारे हेयर के मेन पार्ट कैरेटिन यानी कि बालों के लिए जो मेन प्रोटीन होते हैं उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल एंड लाभकारी होते हैं। एंड दोस्तों प्याज के रस से बाल घने, काले, लंबे होते हैं। इससे डैंड्रफ एंड किसी तरह का अगर इची स्कैल्प है, इची स्कैल्प से रिलेटेड अगर इन्फेक्शन है तो उसे भी ये कंट्रोल करके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। और तो और यहाँ पे एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि अनियन जूस या अनियन ऑयल हेयर फॉल के साथ साथ मैजिकली जो मेडिकल फील्ड होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। एलोफेशिया बोल के जो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें कि हमारे स्कैल्प से बाल निकलना बंद हो जाता है, उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। बिकॉज इट्स हेल्प स्टिमुलेटेड हेयर फॉलिकल्स एंड प्रमोट हेल्दी हेयर ग्रोथ बाई इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन। एंड सेकेंड, इस शैम्पू में अनियन के साथ साथ जिंजर का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें हम हिंदी में अदरक कहते हैं। सो गाइस अगेन, जिंजर भी हमारे हेल्थ के साथ साथ हेयर्स के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अदरक में एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि हमारे डैंड्रफ, रूसी की प्रॉब्लम की वजह से जो जड़ कमजोर हो जाती है, जिसके अलावा सर जो हमारे सर में खुजली की प्रॉब्लम होती है उसे भी ये ठीक करता है और हमारे ड्राइनेस को भी ये कम करता है। एंड दोस्तों ये मेन दो एक्सट्रैक्ट के बाद भी इस शैम्पू में बहुत से अच्छे अच्छे हेयर्स के लिए बेनिफिशियल एक्सट्रैक्ट यूज किए गए हैं, जैसे कि रोजमेरी, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्लाइ
ग्लाइकॉल 6000, ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट, कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, पोटेशियम सर्बेट और भी बहुत कुछ है, कुछ केमिकल्स है जो कि बहुत ही माइल्ड एंड बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ऑल ओवर ये शैम्पू को देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है फॉर योर हेयर ग्रोथ, फॉर योर हेयर फॉल, डैंड्रफ के लिए। मैंने इस शैम्पू को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, लगभग इसके आधे बॉटल को। इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, किसने हेयर फॉल मेरे कंट्रोल किए, ऊपर से मेरे हेयर ग्रोथ भी सुधार आए हैं जो कि मुझे दिख रहा है। आगे मैं इसके कंडीशनर और ऑयल को भी परचेज कर सकती हूँ, अगर करूँगी तो रिव्यू ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो दोस्तों, जैसे कि आप कैमरे पे देख सकते हो, मैंने इसके आधे बॉटल को ख़त्म कर दिया है, यूज़ कर लिया है। फिलहाल इस शैम्पू की बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, इससे लड़के लड़की कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एंड अगर आपके हेयर ऑयली है, किसी टाइप की अगर आपकी हेयर क्वालिटी है तो भी आप इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हो। एंड एक बात मैं बता दूँ, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक शैम्पू है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, सो ये आपके बालों में इतना ज़्यादा झाग नहीं बना पाएगी। सो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल हैं और आपने बहुत ज़्यादा ऑयल लगा रखे हैं, आपके बाल बहुत गंदे हैं, तो आपको इस शैम्पू का बहुत ज़्यादा अमाउंट लेना पड़ सकता है। बिकॉज मेरे बाल बहुत लंबे हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती रहती हूँ, तो मुझे इसके बहुत ही ज़्यादा अमाउंट लेने पड़ जाते हैं। एंड मैं इससे 3 बार अपने बालों को वॉश करती हूँ, तब जाके मेरे बाल अच्छे से क्लीन होते हैं। एंड ये शैम्पू को ऑल टाइप हेयर्स वाले यूज़ कर सकते हैं, लाइक अगर आपके कलर्ड से हेयर हैं, अपने बालों में कलर कर रखी हैं, तो भी आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, एक और बात मैं बता दूँ, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे रहते हैं और बहुत घने हैं, लंबे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कोई दूसरे ऑर्गेनिक शैम्पू से बालों को अच्छे से क्लीन करके आप उसके बाद लास्ट में इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि इस शैम्पू का बहुत ज़्यादा अमाउंट यूज़ ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस शैम्पू को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे लगाना है। तो नॉर्मली आपको अपने बालों को गीला करना है पहले, उसके बाद इस शैम्पू का जितना अमाउंट आपको ज़रूरत हो आप उतना लेकर जेंटली मसाज करें अपने फिंगर टिप से, और झाग बनाने की काफ़ी कोशिश करें। जब झाग बन जाए तो कुछ देर बाद आप शैम्पू को बालों में लगे छोड़ दें, ताकि इसमें जो जितने सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं वो आपके स्कैल्प में जाकर अच्छे से अपना वर्क करें। एंड अपने बालों में इसे 2 से 3 मिनट तक लगे हुए छोड़ दें, और उसके बाद आप इस प्रोसेस को दोबारा कर सकते हो अगर आपके बाल अच्छे से एक बार में ही क्लीन ना हुए हो तो। 2 से 3 मिनट बाद आप अपने बालों को अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी विश केयर का कंडीशनर है तो आप लगा सकते हो, नहीं तो आपके पास जो भी ऑर्गेनिक कंडीशनर है आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बेसिकली कंडीशनर प्रेफर नहीं करती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ कोई फंक्शन पे तभी मैं कंडीशनर लगाती हूँ, नहीं तो मैं घर पर कंडीशनर नहीं लगाती हूँ। तो दोस्तों, स्पेशली ये ऑयली हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा शैम्पू है, एंड ड्राई हेयर्स के लिए भी लगभग ठीक ठाक है दोस्तों। सो ये शैम्पू पम्प बॉटल के साथ आता है, जो कि यूज करने में बहुत ही इजी है। एंड इसकी सारी डिटेल्स इसके बॉटल के पीछे दी हुई है, लाइक इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, इंग्रेडिएंट एंड एवरीथिंग। सो दिस इज 300 ml बॉटल, और इससे मैंने नायका से परचेज किया था। इसका प्राइस मुझे 449 rupees पड़ा था। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपको परचेज करना है तो आप परचेज कर सकते हो वहां से। वैसे आपको ये Amazon एंड Flipkart पे भी मिल जाएगा। एंड दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मुझे इसकी कंसिस्टेंसी जो है बहुत ही अच्छी लगी, जो कि जेल फॉर्म में है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, मुझे बहुत ही पसंद आया। एंड इसकी स्मेल जो है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही हल्की सी है, जो कि आपको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय, टाइनी ऑफ।